देखिए कितना सुंदर बना है ना। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल उज्ज्वला बारी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और ऐसा ही आशीर्वाद आप हमारे ऊपर बनाए रखिए, हम लोग भी स्वस्थ और मस्त है। ये मैं डिब्बे बुलाती हूँ साबुन के लिए, जो बर्तन घसने के लिए यूज़ होती है। तो देखिए हर बार मैं ये जो नया डब्बा होता है, जैसे इसमें साबुन होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें का जो केक होता है बर्तन घिसने का, वो मैं वही पुराने डब्बे में डाल देती हूँ। मतलब इसी का मैंने एक डब्बा यूज़ किया था पूरा का पूरा इस बॉक्स के साथ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी बॉक्स में जो अभी नया डब्बा लूँगी, उसी में का केक जो है वो इसमें डाल दूँगी। मतलब ये जो डब्बा है वो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये डिब्बा मेरे पास खाली वैसे का वैसा ही रहेगा, और यूज़ में सिर्फ यही वाला डिब्बा रहेगा। तो ऐसे करते करते मेरे पास इतने सारे जो डिब्बे हैं वो जमा हो गए हैं। अब मैं इसका यूज़ कैसे करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए गाइस, मेरे पास जो है ये जो रंगोली होती है हमारी, ये उसके कलर्स है। ये देखिए, ये इतने कलर्स हैं, ऑरेंज कलर, और भी बहुत कलर्स हैं, लेकिन ये 8 डिब्बे जो है मेरे पास जमा हुए हैं, उतने ही मैं उसमें ऐड करूँगी, क्योंकि यह जो डिब्बे हैं टोटल 8 ही है। तो मेरे पास भी है रंगोली, ये देखिए इतनी है। तो मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तभी ला लेती हूँ, मतलब फुर्सत हो जाती है, और यहाँ यूपी में इतनी अच्छी रंगोली नहीं मिलती है, इसलिए वहीं से ला लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये जो डिब्बे हैं इसके ढक्कन जो है, ढक्कन वो मैं खोल रही हूँ। अब ये सारे कलर जो है इसी में मैं भरूँगी। ये देखिए, आज लग रहा होगा आपको कि मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज मैंने लगाई है बालों में मेहंदी, तो आज मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, इसीलिए मेरे जो हैंड्स हैं ये भी रेड रेड है, ब्राउन ब्राउन। तो चलिए पहले ये पैकेट भरते हैं इसमें, मतलब डिब्बे में से रंगोली मतलब लेने के लिए आसानी हो जाती है। नहीं तो इस पैकेट को खोलो, इसकी जो गठान है वो खोलो, और फिर अपन यूज़ करो रंगोली बनाने के लिए, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिब्बे में रहा तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ ये मैं डाल लूँगी। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लेमन कलर। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि देखिए, मैंने आपको ये आइडिया बताया है कि हम लोग डिब्बा लेते हैं फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही यूज़ करने लगे, जैसे इसका रीयूज़ करना है, तो हम लोग किसी भी तौर पर कर सकते हैं। जैसे मैं ये रंगोली भर के रख रही हूँ, अभी मैं चाहती तो इस जो डब्बे को है वो कलर भी कर सकती थी, ये निकाल भी सकती थी, लेकिन ये निकालना अच्छा नहीं लगता, फिर डिब्बा अच्छा नहीं दिखता है। निकाल तो सकती थी मैं, लेकिन नहीं निकाला। तो ये देखिए, इस पर मैं कलर भी कर सकती हूँ, आप कलरिंग भी कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसको निकाली तो फिर ये देखिए ऐसे दिखेगा, इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ अभी, थोड़ा मतलब टाइम की भी थोड़ी कमी है, तो इसी में एडजस्ट कर लूँगी, और जब कब टाइम मिलेगा मुझे तो मैं इसको कलर भी कर लूँगी। ये यहाँ हम लोगों को रंगोली लगती है जब यहाँ रंगोली कंपटीशन होता है, तब हमें रंगोली यहाँ
यूज़ होती है, और कभी कभी डोर के बाहर बनाने में भी अच्छा लगता है। जैसे थर्सडे होता है, मंडे होता है, सैटरडे होता है, तो इस दिन मैं जो मेरा मेन डोर है वहाँ पे भी बनाती हूँ। आप लोगों ने तो कई शॉर्ट्स पे और वीडियो पे भी देखा होगा। तो और भगवान के पास भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा रेड टाइप कलर है वो, और ये है ऑरेंज कलर। मतलब जब मैं रंगोली बनाऊंगी तब मुझे इस डिब्बे से रंग कलर्स लेने में आसानी होगी, नहीं तो फिर एक कटोरी लो अलग से, फिर उसमें रंग डालो, फिर यूज़ करो। ये देखिए, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसको फेंकने की जगह देखो, मैंने इसको कैसे इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, यह है ब्राउन कलर। और देखिए, आपको इसकी ये भी दिखाती हूँ, देखिए कितना जल्दी से ऐसा स्प्रे होता, मतलब स्प्रेड होता है। अब ये दो डिब्बे बचे हैं, तो ये ग्रीन कलर डाल देती हूँ, क्योंकि ये पॉलिथीन कभी भी फट सकते हैं, इसलिए इसको डिब्बे में डालना ही अच्छा होगा। आइडिया, कोई लोग यहाँ से खोले रहते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शॉर्टकट यूज़ कर लूँ। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा फाड़ रही हूँ, बस हो गया। ये कलर तो इतने सुंदर है कि मतलब यहाँ जो झिंक होता है वो भी, मतलब जैसे चमकने के लिए जो झिंक डालते हैं वो भी डालने की ज़रूरत, देखिए कितना चमक रहा है। तो ऐसे होते हैं हमारे महाराष्ट्र के रंगोली के कलर्स, और वो भी ये ज़्यादा रुपए का नहीं है, ये एक पाव का होगा 20 रुपए का। तो ये देखिए, एक बार की बात हमें अच्छे से याद है कि हमें नवरात्रि में यहाँ फंक्शन होते हैं हमारे रोज़ा टाउनशिप में, तो रंगोली कंपटीशन था, तो हमने कलर्स मंगाए थे बरेली से, जो कि हमें तो महंगे तो बहुत लगे थे, लेकिन अब तब कुछ कर नहीं सकते थे, ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर क्या करें, बुलाना तो पड़ा ही। और ये देखिए, कभी कभी मैं ये यूज़ करती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं होता है तो इसी में जैसे कलर फिलअप करके मैं ऐसे ऐसे रख के इसमें कलर फिलअप करके देखिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बना है ना, है ना सुंदर। तो ये देखिए, इतने कलर्स हैं, और ये है मेरे पास सफ़ेद रंगोली भी है। सफ़ेद रंगोली मैं ज़्यादा रखती हूँ, इसका भी एक अलग से डिब्बा है, अभी वो डिब्बा किया है वो भगवान के पास रखते हैं, तो वो मैं आपको कभी फिर बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, सफ़ेद रंगोली भी मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि घर के बाहर भी बनानी होती है, मेन डोर के पास, और भगवान के पास भी बनानी होती है, तो ये और सफ़ेद वाली जो रंगोली है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे इधर महाराष्ट्र में अभी जैसे रंगोली का जो चलन है, हर कहीं अलग अलग स्टेट में हो सकता है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ। तो फिर अभी जो है, ये देखिए, ये तो मैंने आपको बताया मैं ये यूज़ करती हूँ जैसे कभी कभी रंगोली बनाने के लिए, ये भी है मेरे पास है। और ये है जैसे हमें साइड से बनाना है डिज़ाइन, तो ऐसे साइड से बना सकते हैं, तो ये एक है मेरे पास। और ये देखिए, ये भी है, जैसे इसमें सफ़ेद रंगोली ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे इसमें रंगोली डाल दीजिए, ये देखिए दिखाती हूँ आपको।
ऐसे साचा है मेरे पास, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। और जब मैं अभी महाराष्ट्र गई थी तो बहुत लोग ऐसे इसमें रंगोली डाल के बहुत यूज़ करते हैं ऐसा, और फिर पीछे से ऐसा होता है छन्नी लगी होती है, मतलब इसमें कलर डाल के ऐसे 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 थप्पा करो, रुकिए आपको दिखाते हैं करके। ये देखिए लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही नहीं लगा है, होगा बाकी के लोगों के लिए इजी, लेकिन हमें तो हाथ से ही पसंद है। तो इस तरह से मेरे पास ये इतना है। और जब कभी मुझे गरज थी एक एक ही होल ऐसे बनाने की, तो मतलब जैसे ट्राई किया था मैंने, देखिए दवाई की बोतल थी मेरे बेटे शर्विल की, वो खाली हो गई थी, उसको मैंने धोकर सुखा ली थी और फिर इसमें रंगोली डाल ली थी। और ये देखिए यहाँ ढक्कन में मैंने जो कील होता है उसको गर्म करके उससे यहाँ होल कर ली थी। तो देखिए ऐसे जब मैं करती तो एक होल गिरता है ऐसे 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 ऐसे। तो ये देखिए यही बताना चाह रही थी मैं कि जो ये डिब्बे हैं वो हम फेंकने की बजाय ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यही बताना था मुझे, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपका मन हो तो। सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। और देखिए आपको तो हाथों से बनाना मैं दिखाना भूल ही गई, तो अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने इजी और आसानी से बनता है, ये देखिए ये देखिए। कितना आसान है बनाना, कितने आसानी से बन जाता है देखिए। है ना कमाल? तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत मायने से ये वीडियो बनाए हैं, बहुत मतलब आइडिया नज़र आए मुझे, चलो आपको दिखाते हैं बताते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे मतलब किया जाए घर के ही घर में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो नए लोग हैं वो लोग वीडियो को लाइक करना कमेंट करना, और जो नए लोग हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस आने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।